एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ दीक्षा। आप लोग जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ और ये मेरा चैनल है। इसमें कोई स्पेशल ऐसा कोई एक ही पर्टिकुलर मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ। इसमें मिक्स एंड मैच सारी वीडियोस रहती हैं। कभी कुकिंग रहती है, कभी क्राफ्ट रहता है, कभी होम डेकोर की चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें मेरी हॉबी में थी, तो मैंने सोचा था कि इस पर एक वीडियो बनाती। तो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पर मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो मुझे जितनी चीज़ें मतलब लगती थी कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो वो सारी वीडियोज़ वगैरह मैं अपने इस चैनल पर डालने लगी। तो फिर मुझे ऐसे ख्याल आया कि जैसे मेरी जो हॉबी है, क्यों ना मैं उसे एज ए प्रोफेशनल यूज़ करूँ। तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज का ही दिन मैंने चुना है क्योंकि आज है वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे है, 8 मार्च। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँ। वैसे आप लोगों ने कम्युनिटी पेज पे वो देखी होगी जो मेरा जिसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, अल्लड़कोना नाम है जो मैंने ब्रांड का नाम चुना। काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी मतलब ढूंढने के नाम के लिए मतलब सोचने के बाद मुझे ये नाम अच्छा लगा। और काफ़ी लोगों से मैंने मतलब ये पूछा भी कि कैसा नाम है, तो सबको बहुत यूनिक लगा ये नाम। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये नाम और इसके बारे में पूरी डिटेल्स, क्या मैं कैसे क्या करती हूँ, क्या चीज़ है इसमें, सब मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें मैं खुद अभी अकेले बनाती हूँ और हैंडमेड चीज़ें हैं। तो क्रोशिया चलाना मुझे बचपन से बहुत पसंद था, तो मतलब ये नहीं सोचा था कि आगे चल के इसमें कुछ करूँगी। तो मैंने अब जाके अपने क्रोशिया को इधर बीच, जैसे कोविड टाइम था तो यूट्यूब वगैरह काफ़ी मतलब यूज़ किया, तो उसमें मुझे क्रोशिया के मतलब मैंने बाहर की वीडियोज़ देखी, इंडिया के बाहर की वीडियो। तो ये इतनी यूनिक चीज़ें क्रोशिया से मतलब बनाते हैं सब लोग, तो मुझे और इंटरेस्ट लगा। तो मैंने जो अपना ये क्या कहते हैं जो हॉबी थी, उसको थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा सा फिनिशिंग लाई उसमें। तो जब मुझे लगा कि अरे ये तो मैं कर ले मतलब कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ नया मतलब स्टार्ट किया जाए। तो मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं और मैंने अपने इंस्टा के पेज पे भी डाला है, उसे आप मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ों में शुरू किया है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, जो सिर्फ क्रोशिए से ही मैं बना रही हूँ, और पर्टिकुलर बस यही एक चीज़ बना रही हूँ। और एक दूसरा भी मतलब स्टार्ट किया जिसमें होम डेकोर की चीज़ें रहेंगी या मतलब कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड रहेंगी, तो वो मैं अलग बताती हूँ। पहले क्रोशिए के बारे में मैं सब बताती हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने पहना है, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है, ईयरिंग देख रहे होंगे। तो कैसी लग रही है आप लोगों को, पास दिखाती हूँ। बहुत ही मतलब एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को, मतलब पहली मैंने बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने क्यों ना मैं अपने से पेज पे डालूँ, और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो परचेज़ कर सकते हैं। अभी तो मैंने एज ए हॉबी यूज़ किया है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर मेरे पेज पे आइए और कुछ परचेज़ करिए। मैं वैसे भी अगर कोई परचेज़ मतलब करता है या लेता है, नहीं लेता है, फिर भी मैं इसे बनाती रहूँगी और अपने पेज पर डालती रहूँगी। तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप इसे परचेज़ करेंगे तो एक तो मेरा ये स्मॉल जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप, ये चलेगा, और मुझे और मतलब बनाने का मन करेगा और भी मतलब एक्साइटमेंट रहेगी नई नई चीज़ें करने का। और दूसरी चीज़ें मैं इसमें मेरी और फिनिशिंग होती जाएगी। तो मैं पूरा मतलब एकदम प्योरली और एकदम सच्चाई से चीज़ें बता रही हूँ कि मतलब मैंने कैसे क्या सोचा है, और मैं भी एकदम न्यू हूँ इन सब चीज़ों में, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे क्या बताना है, क्या करना है। तो चलिए और भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कुछ चीज़ें मैं इस बॉक्स में रखी हुई हैं, ये सैम्पल हैं सारे, मतलब एक एक हर चीज़ में लगभग एक एक चीज़ें मैंने बना रखी हैं। तो एक एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, एक तो मैं दिखा चुकी हूँ, दूसरी दिखाती हूँ। ये देखिए हेयर बैंड, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी, देखिए ये नॉर्मल हेयर बैंड है। नॉर्मल मतलब मैंने अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है हेयर बैंड, और उसके ऊपर मैंने ये क्रोशिए से बनाया है पूरा डिज़ाइन, ये क्रोशिए से बनाया है। इसको भी जो बो है ये भी मैंने पूरा क्रोशिए से बनाया हुआ है, ये देखिए
दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको, ये स्क्रंचीज। आजकल आपको सिल्क के या उसके क्या कहते हैं सैटिन के और भी बहुत नेट वाले आपको दिख रहे होंगे, स्क्रंचीज बहुत फेमस हो रही हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं क्रोशिए से बनाऊँ। इसको आप ऐसे हाथ में भी पहन सकते हैं और इसे आप बालों में, मेरे तो खैर बाल बहुत छोटे और कम हैं, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ पहन के। आप कर सकते हैं। और मैंने ये देखिए, एक ये डिजाइन है, एक वो डिजाइन है, एक ये डिजाइन है। मैं आपको सारे भी बैक कमरे से एक एक दिखाऊंगी। एक ही हो गया। कलर आप अपनी चॉइस कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे कलर हैं जो मैंने अभी जल्दी ही पूरा मैंने अपने यार्न वगैरह से मंगाए, मैंने धागे वगैरह मंगाए हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे पास। मेरे पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम के पेज पे, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। इसमें वॉच पहना है तो मैं इस वाले पे हैंड में दिखाती हूँ। और मैंने सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मैंने चीज़ें यूज़ की हैं। और रबर बैंड मैंने इसमें मैंने देखा है जो ऐसे स्क्रंचीज बनाते हैं उसमें इलास्टिक डाल के बनाते हैं, बट मैंने सोचा कि मैं थोड़े से चीज़ के लिए क्यों मतलब इलास्टिक वगैरह यूज़ करूँ, इलास्टिक जो भी बोलते हैं उसको। मैंने नॉर्मल जो हेयर बैंड होते हैं ब्लैक वाले जो आते हैं या जिस भी कलर के हों, मैंने वही यूज़ किया है। तो इसमें आपको कोई टूटने या कुछ उसका डर नहीं है। तो ये इसमें 3 साइजेस हैं, ये जाइंट है सबसे बड़ा, ये मीडियम रेगुलर साइज है और ये स्मॉल साइज है। देखिए तो तीनों के प्राइजेस अलग हैं। आप मेरे इंस्टा पे जाएंगे या फिर आप मुझे इंस्टा में जाके DM या आप मुझे इसमें भी कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल आईडी भेज सकते सॉरी मेरे ईमेल पे मेल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो। सबसे अच्छा वैसे इंस्टाग्राम ही रहेगा, आप उस पर जाइए और मुझे DM करिए। देखिए ये हो गया। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट कर दूँ और आप मेरी जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ उस पर आप ध्यान दें। इसमें देखिए मैंने सब हाथ से बनाई है, फुल्ली हैंड वर्क है, क्रोशिया। देखिए कुछ भी रख सकते हैं और इसको ऐसे फिर ऐसे करके अब जैसे भी फोल्ड करने का कर सकते हैं। इसकी जो ये डोरी है ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाई है, इसमें छोटे से फ्लावर भी। मैं आपको बैक कमरे से सब दिखाऊंगी। और एक मैंने बनाया है बुक मार्क। तो सब मैंने सारी चीज़ें क्रोशिए की ही रखी हैं, बुक मार्क। अच्छी लग रही है ना। और एक ये मैंने बनाया है, ये जैसे चोकर बनता है एज ए चोकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने बनाया है कॉलर, ये कॉलर वाला यहाँ बटन से बंद कर सकते हैं इसमें इस तरह से। मैं अभी पहन के नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने इयररिंग बनाई थी उससे थोड़ा ये बड़ी ये बनाई है। इसमें और भी इयररिंग्स पे भी मैं बहुत सारी डिज़ाइंस बनाने वाली हूँ। अभी एक मैं चल रहा है मेरा, ये एक डिज़ाइन है, ये भी मैंने एक बनाया है, एक अभी बनाना है। ये क्लियर दिखा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें मेरी अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। ये सब अलग अलग धागे से, कुछ कॉटन के हैं और कुछ पर्ल कॉटन, मतलब ज़्यादातर सब कॉटन के ही हैं। बस ये जो मैंने पहना है ये ऊल है, ये एक्रिलिक है, सॉरी ये एक्रिलिक यार्न का है, बट बहुत ही कूल है ये। ये मल्टी कलर में है, इसमें मैंने धागे अलग से नहीं लगाए, ये ऐसे ही आता ही था। ये स्पेक्ट्रम यार्न या हाँ एक्रिलिक यार्न बोल सकते हैं। तो इतने सारे आइटम हैं और मैंने कुछ अभी मैंने सेल आउट भी किए हैं। उसमें एक हेयर बैंड और मैंने बनाया था, वो मैं आपको दूंगी। और एक अलग तरह की मैंने स्क्रंची भी बनाई थी तो वो भी मैं भेज चुकी हूँ, एक ऑर्डर जा चुका है मेरा। तो
आप लोग मेरे पेज पे अप टू डेट रहिए कि क्या क्या मैं बनाती हूँ, और फिर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। एक हेयर बैंड ये भी बना रही हूँ मैं, इसमें भी प्लेन ये बनाया है, इसमें बो वगैरह या जो भी ऐसे पूरा ऐसे क्राउन जैसा कुछ बनाना होगा मैं बनाऊँगी। ये भी मल्टी कलर ऐसे ही धागा था, स्पेक्ट्रम टाइप का, देख सकते हैं आप, पहन के दिखाती हूँ। तो मैं अभी इसमें प्लास्टिक वाले हेयर बैंड यूज़ कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि इतनी मेहनत से मैंने ये बनाया है और मैं इसको मतलब सेल आउट करती हूँ, तो इसके बाद अगर कहीं ये टूट गया तो उसमें मतलब ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप ये लेते हैं और अगर ये टूट जाता है तो इसमें क्या करना होगा, ये लास्ट में थोड़ा सा आपको, अगर आपको आइडिया हो थोड़ा भी, तो यहाँ से थोड़ा सा खोल के ये जो लास्ट का होता है, फिर वो मतलब केयरफुल तरीके से, केयरफुली सावधानी से निकाल के फिर आप उसमें कोई एक डाल सकते हैं हेयर बैंड। तो इसलिए मैंने सोचा इस चीज़ से निपटने के लिए मैं प्लास्टिक का नहीं यूज़ करके आयरन या मेटल के मैं यूज़ करूँगी इसमें हेयर बैंड। तो देखती हूँ, तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं अपने एक अलग सेक्शन की तरफ आपको दे सकती हूँ, ये मैं पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अलग सेक्शन मेरा ये है कि मैं अब कुछ चीज़ें, ये तो चल ही रही हैं, अब मैं दूसरा सेक्शन है मेरा होम डेकोर या भी कोई भी ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ फंकी सी कुछ अलग सी चीज़ें मैं बनाती हूँ, वो भी मेरी हॉबी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए मोबाइल का कवर, ये मैंने बनाया है, ये प्लेन था, ट्रांसपेरेंट कवर जो होते हैं। एक्चुअली ये आइडिया मुझे कैसे आया, मेरा जो फ़ोन है ये करीब मुझे 2 ईयर्स हो रहे हैं यूज़ करते हुए, सैमसंग का है। तो उसमें क्या हुआ, बैक कवर जो होते हैं मुझे थोड़े अलग से मतलब बंद करते थे पहन लगाने को, तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट के अलावा मुझे मिलता ही नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ, मतलब मैं जब भी मार्केट जाती थी कोई शॉप नहीं बसती होगी जहाँ मैं कहती नहीं हूँ भैया कोई आया बैक कवर, कोई बैक कवर आया, और हमेशा यही होता, मैं बस ट्रांसपेरेंट वाला है या फिर एक से मतलब अजीब से थोड़े डिज़ाइन के रहते थे वो मिलता था, बाकी मिलता ही नहीं था। तो मैं कई मतलब ऑनलाइन भी मंगाया तो मतलब वो सिलिकॉन वाला नहीं मिला, वैसा था प्लास्टिक टाइप का था, तो वो कहीं भी रखती थी तो फिसल फिसल के गिर जाता था। तो मैंने अपने सिलिकॉन ट्रांसपेरेंट वाले को मैंने सोचा मैं खुद DIY करूँगी, और देखिए इतना अच्छा तो मार्केट में भी नहीं मिलेगा, मतलब मेरी पसंद है ये, मुझे लगता है इतना अच्छा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मुझे। तो ये मैंने बनाया, तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, मैंने अपने दूसरा पेज है इंस्टाग्राम का, मैंने एक जो अल्लड़कोना.com करके अल्लड़कोना.com और फिर नीचे मैंने _ ये लगाया है, क्योंकि ये .com से कोई मतलब यूज़र आईडी नहीं बन रही थी इसलिए बनाया है। तो उस पर आप जाएंगे, और दूसरा जो ये डेकोरेशन वगैरह वाली चीज़ें हैं मैंने बनाया है, मेरे आईडी जो है homedecor_allhadkona.com, हाँ यही है, .com के बाद भी _ लगेगा। तो मैं लिंक सारे दे दूंगी, तो उस पर आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको ये परचेज़ करना है कुछ इस तरह का, या आप कोई कस्टमाइज चीज़ें भी ऑर्डर कर सकते हैं जो आपको स्पेशली कुछ बनवानी हो इस पर, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, अपना मोबाइल का मॉडल नंबर बताइए, मैं इसको बना के आपको भेज दूँगी। तो कैसा लगा बताइएगा, मैं और भी चीज़ें दिखाती हूँ। दूसरी चीज़ है ये नॉर्मल कुल्हड़ है, देख सकते हैं, इस पर लिपन आर्ट किया है मैंने, ये देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल कुल्हड़ है और इससे पहले मैंने इस पर लिपन आर्ट किया है, ये देखिए थोड़ा उभरा सा दिख रहा होगा, ये एक पेस्ट आता है उससे बनाया है मैंने। तो इसमें मिरर वर्क भी कर सकते हैं, ये गुजरात की कला होती है लिपन आर्ट, आई थिंक गुजरात की, अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो आप मुझे बताइएगा। मुझे ये बहुत ही पसंद है करना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको भी कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए, जैसे मैं कप या किसी इस चीज़ पे बना के, या फिर जो वॉल वगैरह वॉल हैंगिंग या कुछ इस तरह की चीज़ें भी चाहिए, तो मैं बनाऊँगी। अभी बहुत कुछ मेरे पेज पर आने वाला है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ों में बनाने वाली हूँ। तो ये बताइए कैसे लगे, इसमें बीच बीच में हम मिरर लगा देंगे तो इसकी खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। तो कुल्हड़ को
ये तो मैंने यूज़ किया, ये यूज्ड कुल्हड़ है। इसमें हमने एक यहाँ पे बन मक्खन करके कुछ है वहाँ पे, इसमें चाय मिलती है, तो मुझे ये कुल्हड़ बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्यों इसे फेंकूँ, मैं कुछ होम डेकोर की चीज़ बना लूँगी। तो बहुत दिन से मेरे पास ये रखा हुआ था और मुझे लास्ट में इसका आइडिया आया तो मैंने ये बनाया। तो बताइए कैसा लगा। और एक और चीज़ है, ये नॉर्मल एक बैग है, थैला है कपड़े का, तो ये बहुत सिंपल सा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर कुछ फ़न किया जाए। तो अभी मैंने बस एक कॉर्नर ही बनाया है। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पाता है चीज़ें करने का, बट फिर भी मैं काफ़ी टाइम देके हर चीज़ बनाती हूँ, बहुत ही मेहनत करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तो ये देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, कैसा लगा बताइएगा। ये मैंने सोचा है मास्क आते हैं, कॉटन के मास्क होते हैं मोटे वाले, उस पर बहुत अच्छा लगता है। या फिर मधुबनी आर्ट होती है, मधुबनी भी अच्छा लगता है मुझे करना। तो जैसे टॉप पे मैं इसमें बहुत ज़्यादा बारीक काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी रहती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं कर पाऊँगी, प्रोजेक्ट ऐसा कुछ नहीं बना पाऊँगी बड़ा, जैसे कि सूट पे, दुपट्टे या साड़ी पे नहीं कर पाऊँगी। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ये बनाऊँगी, जैसे छोटे थैले हो गए, या फिर मोबाइल कवर का, कॉटन के मोबाइल कवर भी आते हैं जिसको ऐसे चार्ज करना होता है तो ऐसे लटका के करते हैं, तो उनसे मैं दिखाऊंगी। जो भी चीज़ें बनाऊंगी मेरे पेज पे आता रहेगा, तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। और एक चीज़ और है मैं वो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सिर्फ मैंने किया है रिसाइकल, यानी ये एक वेस्ट चीज़ थी, दिखाती हूँ क्या था, ये पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा का ये बॉक्स है, इसके और भी मैंने कटिंग करके रखी हुई है, तो मैंने इस पर बनाया है। ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया था बस, मतलब खाली टाइम था तो मैंने कहा क्यों ना कुछ यूज़ किया जाए, तो उस पर मैंने बनाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको मैं फाइनली बनाने वाली हूँ एक अच्छा सा ऐसे, इस पर ये पूरा ऐसे बन के आएगा, ये नहीं ऊपर वाला ही ध्यान मत दीजिए, वो तो मैंने ऐसे बना दिया, ये और ही बड़े में ऐसे आएगा। और इसके नीचे मैं हैंगिंग कुछ लटकाऊंगी, वो भी मैंने ले रखा है, बनाऊंगी। और इसके ऊपर भी मैं डालूंगी रेजिन का एक कोट, एपॉक्सी रेजिन आजकल सुना होगा बहुत चल रहा है, उसका कोट। तो मैं दिखाती हूँ किस तरह का बनाना है, मुझे एक बनाया है ये इस तरह से, ये तो मैंने ऐसे छोटा सा एक कैनवास था तो उस पर बनाया है। इस पर इसका ध्यान मत दीजिएगा, मैंने इस पर एपॉक्सी रेजिन डाला था और मैं भूल गई इसके ऊपर मेरा मोबाइल का कवर रख दिया था, तो उसका निशान पड़ गया है। तो ये तो मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ, ये मैं बस मेरे पास ही रहेगा। और एक ये दूसरा बनाया है, ये देखिए, सॉरी, इस पर सेरेमिक, सॉरी, इसके ऊपर वार्निश भी कर सकते हैं, बट उससे अच्छा आता है इपॉक्सी रेजिन जब डाल देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे छोटे छोटे पूरा वॉल एक तरफ डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये है। तो और एक देखिए मोबाइल कवर, ये मैंने, ये तो ख़राब हो चुका है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की भी चीज़ें मैं बना सकती हूँ। तो अच्छा लगता है ऐसे कुछ कोटेशन या वन लाइनर कुछ चीज़ लिख के। तो फ़िलहाल अभी इतनी चीज़ें हैं। और डेकोरेशन में, होम डेकोर में मेरा मेन फोकस है यही है, डॉटिंग मंडाला टाइप बनाना, सर्कल में डॉट का, और उस पर एपॉक्सी रेजिन का पूरा एक लेयर डाल के। तो ये अभी जल्दी ये आपको मेरे उस पेज पे मिलने वाला है, मैं सारे लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर लेना। ओके, तो कैसे लगा ये सारा मेरा जो भी मैंने आपको दिखाया। मैं आपको एक बार बैक कैमरे से सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे शायद कुछ चीज़ें क्लियर ना हुई हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फटाफट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए स्क्रंची, ये हेयर बैंड, नॉर्मल हेयर बैंड है, उसके ऊपर मैंने ये क्रोशिए से किया, देखिए मैंने कितनी महीन कढ़ाई की है। और ये दूसरा वाला हेयर बैंड है, ये वो भी देखिए फिनिशिंग आप देखिए कैसी लग रही है। और ये बनाया देखिए, इसके अंदर ये पिंक कलर का है, और ये बनाया मैंने इस तरह से कुछ, और ये इयररिंग्स, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। और ये दूसरे डिजाइन की स्क्रंचीज, आप कलर जो है अपनी चॉइस कर सकते हैं, मैं आपको
कलर के ऑप्शंस भी दे दूंगी। ये वो ईयर रिंग है जो मैं भी ट्राई मतलब एक बनाए एक रब का भी बनाना है। और ये देख सकते हैं ये चोकर है, देखिए डिजाइन, और ये हुक मार्क, ये देख सकते हैं डिजाइन। और ये रही पोटली, डबल कलर का मैंने बनाया है। और ये देखिए इसकी डोरी, और ये मोबाइल बैक कवर है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। और ये लिपन आर्ट, ये मंडाला है जो कि मैं सर्कल पे बनाऊंगी, सर्कल पे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और मुझे सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही एडवांस में मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।